क्लॉथ्स शूज एंड बैग्स पेश करते हैं कंप्लीट कलेक्शन, सैंडल्स, शूज, हैंडबैग्स, ट्रैवल बैग्स भी, फैंसी डिजाइन, हाई हील्स, कैजुअल, ऑफिस वेयर, डेली वेयर। क्लॉथ्स शूज एंड बैग्स सेल्फ मैन्युफैक्चर है अफोर्डेबल प्राइस के साथ अप टू 50% डिस्काउंट। तो आज ही आए क्लॉथ्स शूज एंड बैग्स। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक बच्चे को घर में बंद करके बच्चे की माँ का जो प्रेमी है उसने मारा है। बताया जा रहा है कि बच्चे की जो माँ है वो अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ रहती है। ये पूरा मामला भिमंडी के नूरी नगर इलाके का है। स्थानीय लोगों के अनुसार छोटे से बच्चे को कमरे में बंद करके मारा पीटा जा रहा था और इसी दौरान इस बात की जानकारी स्थानीय लोगों को लगी, जिसके बाद स्थानीय लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। हैरानी की बात तो ये है कि बच्चे को मारने पीटने वाला कोई और नहीं बल्कि इस बच्चे के माँ का प्रेमी है, जिसका नाम शाहिद है। बहरहाल जैसे स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी लगी, लोग वहाँ इकट्ठा होने लगे, तभी इस बच्चे की माँ जो है वो वहाँ से फरार हो गई। लेकिन जो आरोपी है शाहिद, जो बच्चे की माँ का प्रेमी है, उसे स्थानीय लोगों ने पुलिस को सौंप दिया है। इस पूरे मामले में हमारे सहयोगी चैनल द वॉइस ने स्थानीय लोगों से क्या कुछ बातचीत की है, हम आपको सुनाते हैं। मैं घर में काम कर रही थी, मेरे बच्चे इधर खेल रहे थे, हाँ, तो बच्चे लोग को दोनों परानी मार रहे थे इधर, तो दोनों में झगड़ा हुआ था। उसके बाद मेरे बच्चे दोनों इधर देख रहे थे, लोग अंदर दरवाजा बंद किए थे, तो ये जो औरत थी उसको लेके भाग गई तीनों लड़की, दोनों लड़की को बोली जितना तू मारा है उसको दवाई कर अपना। फिर में वो आदमी और लड़का इधर थे जब वो औरत गई, तो उसकी औरत छुड़ाई नहीं, औरत नहीं छुड़ाई कि छुड़ाई, लोग अंदर ही सब थे। और फिर चली गई तो मेरी लड़की गई बोली कि मम्मी ये लोग मार रहे हैं बच्चे को, और उसकी मम्मी दोनों लड़की लेके चली गई। तो मैं बोली अपनी लड़की की जा देख वो लड़का कहाँ है, तो बोलती है कि घर में बंद है। जब तक मेरी लड़की गई वो आदमी भी भाग गया था। आई मेरी लड़की इधर बताई मेरे को, दरवाजा खोली तो वो लड़का सोया था, तो मेरे को बोली, तो मैं बोली आई इधर देखी तो फिर उठा के ले गई वो लड़की को। तो आप लोग और जो एरिया के यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उन लोग ने कुछ छुड़ाए आगे देखे कुछ? कोई देखा नहीं, तो मैं लेके गई थी वो लड़का को। उधर गई तो इनको अनिल भाई को बोली कि तुम्हारे पहचान की इधर आती है, उनको बुलाओ लड़की जो मारी है जो, तो ये बोले कि इसकी माँ कहाँ है, मैं बोली भाग गई, तो इसको लड़का सौंप दी। तो वो लोग यहाँ पे कब से रह रहे थे? ज्यादा 15 दिन हो गया, महीना भर नहीं भया है। इसके पहले कहाँ रह रहे थे वो लोग? मेरे को नहीं है मालूम था, ये एरिया में मतलब रहते थे। तो शादी का लड़का है, पहले आदमी नहीं हुई है, शादी मारा है वो दूसरा है, उनके और हमको नहीं मालूम कि है कि नहीं है, लेकिन ये यूपी का है शायद, हिंदू है, और क्या है वो आदमी मुसलमान है। तो बच्चे को जो हॉस्पिटल लेकर गए थे और वो आदमी को जो जमा करवाए पुलिस वालों ने पकड़े, तो फिर कौन लेकर गया था? मैं लेकर गया था। आप लेकर गए थे, तो कैसा क्या हुआ था पूरा मामला बताइए। मियाँ से जो आप भाभी ने बोली है, बाकी दवाखाने तो आप लोगों को खुद ही मालूम होगा, तो जरा सा आप भी खुल के बताइए ना, आप कहाँ थे, कहाँ इकट्ठा हुई उसको लेके गए वहाँ, बलभर मारे, पुलिस को बुलाए, पुलिस आई लेके गए दवाखाने, दवाखाने में उसके जांच पड़ताल हुआ, उसका बना के दिए, पुलिस स्टेशन लेके गए। अभी बच्ची किसके पास है? अभी उसी के पास है, वो उसके माँ के पास। मेरा बोलने का मतलब है कि वो बच्ची सिर्फ उनको नहीं मिलना चाहिए, उसकी माँ अगर आज ऐसे हरकत करी है कल हो सके वो अपनी बच्ची की जान भी ले सकती है। इससे पहले और कभी ऐसा हुआ था? हाँ, पहले भी वो काफी कर चुके, नीचे के लोग सब बताए कि मतलब उसने भी पहले से हरकतें कर चुकी थी। सिर्फ आप लोग यहाँ पे जो रहने वाले आप लोग देखते हैं, जैसे आपने बोला कि यहाँ पे पहले भी ऐसा हो चुका, तो आप लोग ने कोई कुछ बोला क्यों नहीं? मुझे पता नहीं था, आज हुआ है ना, वो बहुत जरूरी था मेरे को बोलना, क्योंकि भाई माँ बाप होते हैं बच्चे को थोड़ा बहुत मारते थे, होता है कि चलो मारते हैं सब, यही हुआ। हम लोग वहाँ खड़े थे, इस तरीके से नहीं मारा जाता है उसको, औलाद में वो इतना बड़ा आदमी, हमारे पास औलाद दिया है ऊपर वाले ने, हम भी सोचते किसी की भी औलाद है वो अपनी औलाद, तो उसका ध्यान तो देना है ना, तो इस तरीके से वो किसी जबकि जिम्मेदारी नहीं ले सकते हो अपने बच्चे की, तो किसी को दे दो, कोई भी संभाल लेगा, उसकी जिंदगी बन जाएगी, बेमतलब में मार के क्या मिलेगा, अदब सिवाय कुछ नहीं मिल सकता है। हम लोग सब यही चाह रहे कि ये बच्चा उनको मिल जाए, ये संभालेंगे, बिगर औलाद के बाहर बोलते औलाद इनको नहीं हुई कितने दिन से सालों से बच्चे की, मतलब ये जो हादसा हुआ इसके बाद से आप मतलब आपका ये कहना है कि अगर वो मेरे को दे देंगे आपको दे देंगे तो आप संभालोगे ऐसा? हां संभालेंगे।